वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अलका स्पेशल किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आई हूँ बहुत टेस्टी यम्मी रेसिपी की वीडियो। तो आज हम लेके आए समोसा। समोसा कौन नहीं जानता, समोसा सबको पसंद है। समोसा का नाम लेते ही मुँह में पानी आ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम समोसा कैसे बनाएँ घर पर। तो यहाँ मैंने मैदा ली है, मैंने यहाँ 2 कटोरी मैदा ली है। स्वाद अनुसार नमक अंदर डालने के लिए, अजवाइन, समोसे के अंदर अजवाइन डालना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि अगर मैदा सिकने में थोड़ी कच्ची भी रह जाए तो अजवाइन से डाइजेशन नहीं होगा। तो अब चलिए इसके अंदर डालेंगे मोइन के लिए सरसों का तेल। तो मैं यहाँ 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ और हाथों की सहायता से अच्छे से मलूंगी। ये देखिए, मैंने तेल को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसके अंदर और एक अच्छा डो तैयार करेंगे। हम समोसे के लिए नहीं तो ज़्यादा टाइट डो लगाएंगे, नहीं ज़्यादा सॉफ्ट, हम मीडियम साइज़ का डो लगा के तैयार करेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने डो लगा के तैयार कर लिया है। चलिए आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए आसानी से टूट रहा है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा तेल, जिससे मैदे का आटा वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए 15 मिनट के लिए इसको ढक के रखेंगे और आगे की तैयारी और कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ हरी मिर्च और प्याज को कट कर लिया है। इसको आप बारीक भी काट सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ बड़े बड़ी साइज़ में काटा है, क्योंकि मैं इसको चॉप करूँगी चॉपर की सहायता से। तो मैं प्याज और हरी मिर्च को मिक्स कर लिया है। अब इसको हम चॉप कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज और हरी मिर्च अच्छे से चॉप हो चुकी है, एकदम बारीक। और मैंने यहाँ 20 से 25 लहसुन की कलियाँ ली है, इसको हम कूट लेते हैं, साथ में अदरक के 2 टुकड़े। ये देखिए मैंने अदरक और लहसुन को कूट लिया है। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, पैन के अंदर मैं 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डालूंगी। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। इसको थोड़ा हल्का सुनहरा होने तक भुनेंगे, जिससे अदरक का टेस्ट है वो कच्चा नहीं आएगा। अब डालूंगी इसके अंदर सूखा साबुत धनिया। तो हाथों की सहायता से मैं इस तरह इसको क्रश करके डालूंगी। सौंफ, अब डालूंगी इसके अंदर चॉप किए हुए हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट।
इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, हींग, अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब डालूंगी इसके अंदर बॉइल किए हुए आलू, जिसको मैंने उबाले थे और मैश कर लिए थे इसको। अब डालूंगी कटा हुआ हरा धनिया, अमचूर पाउडर, अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हमारी समोसे के लिए स्टफिंग एकदम रेडी है। तो चलिए अब समोसा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं, आप हमारा मैदे का आटा अच्छे से देख सकते हो। समोसा बनने के लिए एकदम तैयार है। इसको हाथ की सहायता से फिर से हम मलेंगे। तो मैंने यहाँ लोया तोड़ लिया, तो मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज की लोइयाँ तोड़ी है। तो 2 लोइयों को हम रख देते हैं, 1 लोई को फिर से हाथों की सहायता से मलेंगे। और 1 लोई के हम 4 हिस्से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 1 लोई को हम बेल लेते हैं, बाकी को ढक के रख देते हैं। आप लोई को अपने हिसाब से ले सकते हो। अगर आपको बड़ी साइज में समोसा बनाना तो आप थोड़ी बड़ी ले सकते हो, मीडियम में थोड़ी छोटी। एक एक चीज़ बताऊंगी समोसे के लिए, तो आपका समोसा वो एकदम परफेक्ट बनके तैयार होगा, बिल्कुल मार्केट जैसा। आप एक एक चीज़ को फॉलो करते जाइए। तो ये देखिए मैंने बेल लिया है और इसको हम बीचों बीच कट करेंगे। ये देखिए मैंने 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया है। तो 1 कटोरी में मैंने पानी लिया है। तो ये देखिए 1 हिस्से को मैंने उठा लिया अपने हाथों पे और इस तरह से हम अंगूठे के ऊपर 1 हिस्से को रखेंगे और उसके ऊपर पानी लगाएंगे इस तरह से, और दूसरे हाथ की सहायता से इस तरह हम दूसरे किनारे को इसके ऊपर चिपका देंगे। ये देखिए इस तरह से पानी लगाना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हमारे समोसे चिपकेंगे नहीं। ये देखिए एकदम कोन बनके तैयार है समोसा का। और ये मैंने इसके अंदर स्टफिंग भर दी है,
तरह से अंदर दबाएंगे। अब चारों तरफ पानी लगाएंगे इस तरह से, हमें किनारों किनारों पे पानी लगाना है। अब दोनों किनारों को इस तरह पकड़ के आपस में चिपकाएंगे, जिससे पानी लगा था वो आपस में चिपक जाए मैदा। ये देखिए, आप देख सकते हो हमारा समोसा एकदम बनके तैयार है। ये देखिए लग रहा है बिल्कुल मार्केट जैसा, आपको फिर से हम बताएंगे। ये देखिए इस तरह से पानी लगाएंगे, दूसरे हाथ की सहायता से फिर से चिपकाएंगे। ऊपर के कोन को इस तरह से दबाते जाएंगे नीचे तक। ये देखिए, तो कोन बनके तैयार है। अब दोबारा इसके अंदर हम स्टेपिंग भरेंगे। दोबारा उंगली की सहायता से चारों तरफ पानी लगाएंगे इस तरह से, और बीचों बीच दोनों हिस्सों को हम दबाते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए आपस में चिपक गए हैं दोनों हिस्से। तो ये देखिए हमारा दूसरा समोसा भी बनके तैयार है। इसी तरह हम सारे समोसे बना लेंगे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है। पहले हम इसको हाई फ्लेम पे गरम करेंगे, फिर इस समोसा फ्राई करते वक्त हम मीडियम कर देंगे, और एक झर लेंगे। झर के ऊपर हम समोसा डालेंगे, डायरेक्ट कढ़ाई के अंदर नहीं डालेंगे। क्या है कि कढ़ाई के अंदर डायरेक्ट डालने से समोसे के नीचे काला काला निशान हो जाता है। तो ये देखिए आप अच्छे से देख सकते हो, अब झर को हिलाते हुए हम समोसा को कढ़ाई के अंदर डालेंगे। देखिए अब मैंने समोसों को तेल के अंदर छोड़ दिया है। इसको उलट उलट करते रहेंगे बीच बीच में। आप देख सकते हो इसकी सिकाई कितनी अच्छी हो रही है। तो हमें एक साथ समोसों को नहीं फ्राई करना है, थोड़ा कच्चा है तभी इसको हम निकालेंगे, क्योंकि हम समोसों को दो बार फ्राई करेंगे। दो बार फ्राई इसलिए हम करेंगे समोसे को, क्योंकि एक साथ समोसों को फ्राई करने से मैदा अंदर से कच्ची रह जाती है। तो इसलिए पहली बार इसको हम हल्का सुनहरा होने तक ही फ्राई करेंगे, फिर इसको हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। फिर दोबारा मीडियम आंच पर इसको हम 5 मिनट फिर भुनेंगे। समोसा बनाने के लिए मैं आपको एक एक बात अच्छे से बता रही हूँ, आप इसी तरह फॉलो करेंगे तो आपके समोसे बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनेंगे। आप मार्केट से लाना
बनाना है भूल जाएंगे समोसों को, आप घर पर ही बना के खाओगे। फिर तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोबारा तले हुए समोसों को फिर से तल रही हूँ और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल मीडियम कर देंगे। अब इसको मीडियम आंच पर 5 मिनट के लिए भुनेंगे जिससे बहुत ही क्रिस्पी करारे बनेंगे। लेकिन बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं मुझे फ्राई करते हुए समोसों को, तो आप देख सकते हो इसका कलर, ये बहुत ही टेस्टी और करारे बने हैं। बनाने की आपको जानकारी दे रही हूँ उतनी जानकारी आपको कोई नहीं देगा। दोस्तों आप प्लीज मेरे वीडियो को पूरा देखिए और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर कमेंट करके बताइए और आपको कौन सी